आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। संघर्ष नहीं सहयोग में मानवता की सफलता। संयुक्त राष्ट्र के भविष्य के लिए शिखर सम्मेलन में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवता की सफलता सामूहिक शक्ति में निहित है, न कि युद्ध के मैदान में। इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विश्व के भविष्य पर चर्चा कर रहा है तो सर्वोच्च प्राथमिकता मानव केंद्रित दृष्टिकोण को दी जानी चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े मंच से पीएम ने किया आह्वान। ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति या जीवन के अधिकार में शामिल। तो हाईकोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार में ध्वनि प्रदूषण मुक्ति भी शामिल है। कोर्ट ने भगवानपुर में नमाज के दौरान लाउडस्पीकर की अनुमति देने संबंधी मामले में 2018 में हाईकोर्ट से पारित आदेश का उल्लेख करते हुए राज्य के सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को यह तय करने को कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों को ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 के अंतर्गत दंडित किया जाए। लापता लेडीज की कहानी ऑस्कर पहुंची। तो ऑस्कर पुरस्कार 2025 की दौड़ में भारत से हिंदी फिल्म लापता लेडीज शामिल हो गई है। सोमवार को फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की कि फिल्म को 97वें एकेडमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी के लिए सर्वसम्मति से चुना गया है। चाइल्ड पोर्न देखना और डाउनलोड करना अपराध। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना व डाउनलोड करना पॉक्सो कानून के तहत अपराध है। साथ ही अदालत ने संसद को पॉक्सो कानून में बदलाव लाकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द की जगह बाल यौन शोषण और शोषणकारी सामग्री शब्द का इस्तेमाल करने पर विचार करने का सुझाव दिया है। निगम कर्मचारी का डीए बढ़ाने को सीएम की मंजूरी। तो उत्तराखंड के निगम कर्मियों को जनवरी 2024 से बढ़े 4% महंगाई भत्ते डीए का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को इस संबंध में फाइल का अनुमोदन दे दिया है। आतिशी ने दिल्ली के सीएम का पदभार संभाला। फरार बोरा की मदद करने में 4 के खिलाफ मुकदमा। तो रेप के आरोपी और नैनता दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की मदद के लिए के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इजराइल के हमलों से दहला लेबनान। तो 492 मरे। 2006 के बाद इजराइल का पड़ोसी देश पर सबसे भीषण हमला। गोल्डन कार्ड धारक कर्मचारियों को मिलेगी कैशलेस जांच के साथ निशुल्क दवाएं। तो उत्तराखंड के करीब 3.5 लाख कर्मियों और पेंशनरों को गोल्डन कार्ड पर कैशलेस पैथोलॉजी जांच और दवाओं की सुविधा जल्द मिलेगी। शिक्षकों के अटैचमेंट पर शिक्षा मंत्री खफा, रिकॉर्ड तलब। शिक्षकों के अटैचमेंट पर शिक्षा मंत्री चौधन सिंह रावत में नाराजगी जताई है। उन्होंने शिक्षा महानिदेशक, निदेशक, माध्यमिक निदेशक प्रारंभिक और एससीईआरटी निदेशक को पत्र जारी कर सभी अटैचमेंट का ब्यौरा मांगा है। अधिकारियों से यह पूछा गया है कि किसकी संस्तुति और किस अधिकारी के स्तर से अटैचमेंट किया गया। अटैचमेंट का औचित्य भी बताने के लिए कहा है। सार्वजनिक निगमों उपक्रमों के कार्मिकों का बढ़ा महंगाई भत्ता। रामलला की पोशाक पर सुसज्जित हुई उत्तराखंड की अपन कला। खराब ट्रैफिक सिग्नल जल्द किए जाएंगे ठीक। तो यातायात निदेशक अरुण मोहन जोशी ने जारी किए निर्देश। छात्र छात्राओं ने किया 86 यूनिट रक्तदान। दिव्या थापा को चुना गया हरितालिका तीज क्वीन। कार खाई में गिरी 4 को मामूली चोटें। तो मसूरी कैंपटी मार्ग पर 0 पॉइंट के पास सोमवार को एक कार खाई में गिर गई। पुलिस के अनुसार हादसे में कार सवार करण, सतीश आशीष पुत्र शंकर, आकाश पुत्र रामानंद, रोशन पुत्र दिलीप सिंह सभी निवासी 327 झील खुर्जा निकट गीता कॉलोनी दिल्ली के थे, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। ओबीसी आरक्षण के मानकों पर चर्चा करेगी प्रवर समिति। अपर सहायक अभियंताओं को दे प्रभारी एई का प्रभार। रिटायरमेंट पर कर्मियों को मिलेगा नेशनल वेतन वृद्धि का लाभ। तो उत्तराखंड पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव कार्मिक आनंद वर्धन से हुई वार्ता में कर्मचारियों को मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन मिला।
विज्ञान आधारित मॉडल बनाए। तो डीएवी कॉलेज प्रेमनगर में सोमवार को विज्ञान महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने कई मॉडल बनाकर प्रतिभा दिखाई। रैली निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन। जल निगम मुख्यालय पर फील्ड कर्मियों का आंदोलन करेंगे रोडवेज कर्मचारी। उत्तराखंड में एनसीसी के विस्तार के लिए रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी। सचिवालय कप में टीमों ने दिखाया दम। निगम निकाय कर्मियों का डीए बढ़ा। उत्तराखंड में एनसीसी के विस्तार को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। तो प्रदेश में एनसीसी के विस्तार को केंद्र सरकार ने मंजूरी मिल गई है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर के संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों के द्विवार्षिक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री हंस सिंह रावत ने प्रस्ताव रखा। अब राज्य में एनसीसी कैडेट के 7,500 नामांकन और बढ़ जाएंगे। मानवता की सफलता युद्ध भूमि में नहीं, सामूहिक शक्ति में है। मलारी हाईवे पर गिर गई चट्टान, आवाजाही ठप। तो ज्योतिर्मठ मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग सोमवार को रेणी गांव के पास भारी चट्टान गिरने से बंद हो गई। इससे ग्रामीणों के साथ ही सेना और आईटीबीपी की भी आवाजाही ठप हो गई। बीआरओ मलबा हटाने के में लगी, लेकिन बोल्डर बड़े होने के चलते हाईवे सुचारू होने में समय लग रहा है। लापता लेडीज ऑस्कर में भारत की ओर से पेश करेगी दावेदारी। छात्रों ने दिए अंक कसौटी पर फेल हो गए 382 अध्यापक। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय UTU ने नई पहल करते हुए 22,079 छात्रों से उन्हें पढ़ाने वाले 1,728 शिक्षकों का ऑनलाइन फीडबैक मांगा। तो 382 शिक्षक उत्कृष्टता की कसौटी पर खरे नहीं उतर सके। 60 वर्ष की उम्र होते ही आसानी से मिलेगी पेंशन। तो राज्य स्थापना दिवस से 60 वर्ष की उम्र पूरी करते ही पात्र लाभार्थियों को आसानी से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इसकी प्रक्रिया 6 माह पहले ही पूरी कर दी गई है। सूरज के तेवर तक तापमान ने तोड़ा 50 साल का रिकॉर्ड। तो वर्ष 1974 के बाद पहली बार सितंबर में 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। प्रदेश में मौसम शुष्क है। तो उत्तराखंड में मानसून कमज़ोर पड़ने के बाद मौसम शुष्क बना हुआ है। चटक धूप पसीना छुड़ा रही है। प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में शुष्क मौसम के बीच पारे में उछाल दर्ज किया जा रहा है। यही नहीं, दून में सोमवार को पारे ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अजब तैयारी, न घरों का पता न वसूली की जानकारी। दून अस्पताल में भर्ती 2 मरीजों में मलेरिया की पुष्टि, 6 हुई संख्या। खेलकूद प्रतियोगिता में दून संभाग का दबदबा। तो केवी संगठन राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के अंडर 14 व 17 के फुटबॉल व बास्केटबॉल के हुए मुकाबले। विद्यार्थियों को विज्ञान गतिविधियों के प्रति किया जागरूक। अक्टूबर के पहले सप्ताह में शुरू होगा खेल महाकुंभ, तैयारी जारी है। अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का अटैचमेंट रद्द। अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट का SCERT में अटैचमेंट रद्द कर दिया है। वह 2 माह के लिए SCERT में अटैच हुए थे। कुछ नियमित शिक्षकों की ओर से इंटरनेट मीडिया में प्रसारित कर इसे मुद्दा बनाया गया था। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने अटैचमेंट रद्द होने की पुष्टि की। अभिषेक भट्ट ने कहा कि महानिदेशक और सरकार की छवि धूमिल ना हो, इसे लेकर वह महानिदेशक से मिले और SCERT में अटैचमेंट निरस्त करने का अनुरोध किया। अभिषेक भट्ट ने कहा कि उनके पास सीमित अवकाश होते हैं। कहा कि स्थायी और अस्थायी शिक्षक की नियुक्ति छात्रों की पढ़ाई के लिए होती है, इसलिए अन्य सभी प्रकार के अटैचमेंट जहां भी हैं उन्हें भी छात्र हित में निरस्त होना चाहिए। विभिन्न विभागों ने जीते अपने मुकाबले, अगले दौर में प्रवेश। तो सचिवालय क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित अंतर विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता में महिला एवं पुरुष ने दमखम दिखाया। शीत अवकाश के बाद शुरू होगी बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं। तो इस बार शीतकालीन अवकाश के तुरंत बाद उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं एवं 12वीं कक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं होंगी और 20 अप्रैल को परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा।
तैराकी में नैनीताल ओवरऑल चैंपियन 22 पदकों के साथ देहरादून को दूसरा स्थान मिला। मुख्य सचिव राधा तोड़ी को फिर दिया जा सकता है सेवा विस्तार। तो 30 को ख़त्म हो रहा है सेवा विस्तार, फिर नहीं मिला तो HCS आनंद वर्धन हो सकते हैं नए CS। आज सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी सरकार। तो वन विभाग के दैनिक वेतन कर्मियों की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी। इसको लेकर शासन के उच्च अधिकारी दिल्ली पहुंच गए हैं। कुमाऊं वन श्रमिक संघ के ने सुप्रीम कोर्ट में समान कार्य के लिए समान वेतन और सभी दायरे में आने वाले दैनिक श्रमिकों की महंगाई भत्ता देने को लेकर याचिका दाखिल की थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वित्त व वन विभाग के अफसरों को नोटिस जारी किया हुआ है। इसे लेकर कैबिनेट की उपसमिति बनाने का फैसला बीते दिनों किया गया था। अब इस मामले में सुनवाई है। शिक्षकों की समता पर विभाग में खलबली, मंत्री ने तलब की रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह ने कहा विभाग बताए किसकी सिफारिश से किया संबंध। तो शिक्षा विभाग में शिक्षकों की समता को लेकर विभाग में खलबली मची है। 23 सितंबर को अमर उजाला में शिक्षकों की मनचाही तैनाती में प्रदेश में चल रही समता का खेल खबर प्रकाशित होने के बाद शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभाग से संबंध शिक्षकों की रिपोर्ट तलब की है। तो 400 शिक्षक और कर्मचारी हैं संबंध। तो शिक्षा विभाग में इक्का दुक्का नहीं बल्कि 150 से शिक्षक और 250 कर्मचारी या संबंध है। शिक्षा महानिदेशक ने सभी जिलों में संबंध शिक्षकों और कर्मचारियों की सूची तलब की है। विभाग के अफसरों के मुताबिक अधिकतर शिक्षकों और कर्मचारियों के अधिकारियों की सिफारिश पर संबंध किया गया है। जिन शिक्षकों और कर्मचारियों को संबंध किया गया है उन्होंने खुद की बीमारी को वजह बताया है। कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जिनका कहना है कि उनके माता पिता या फिर कोई अन्य परिजन बीमार है। वर्ता न होने से निगम कर्मचारी नाराज, आक्रोश रैली 30 सितंबर को होगी। शासन ने पदोन्नति न करने वाले विभागों की सूची मांगी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो पंजाब एंड सिंध बैंक में 213 पदों पर भर्ती निकले जिसके लिए 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। HPCL में अभ्यर्थी करें आवेदन तो 100 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 4 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। पंजाब बोर्ड में 54 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। AIASL में 208 पदों पर भर्ती निकली है इसके लिए 7 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। अंतरिक्ष विभाग में 103 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 9 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के 11 के 13 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 11 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। रामलला के कपड़ों पर नजर आई निशा के अपर्ण की कारीगरी। तो उत्तराखंड की अपर्ण कला से सुशोभित कपड़ों में नजर आए रामलला। टनकपुर में 26 को लगेगा दिव्यांग शिविर, धूमधाम से मनाई जाएगी महर्षि वाल्मीकि जयंती। शिक्षक हैं नहीं विद्यार्थी खुद पढ़ रहे अर्थशास्त्र और भूगोल। तो उच्च शिक्षा निदेशालय को पत्र भेजा जा रहा लेकिन समस्या का नहीं हो रहा समाधान। तो टनकपुर से खबर है, राजकीय डिग्री कॉलेज में प्राध्यापकों की कमी से अर्थशास्त्र भूगोल और वाणिज्य संकाय में पढ़ाई चरमरा रही है। बिना प्रवक्ता का GIC। तो सीमान पिथौरागढ़ से खबर है, सीमान जिले में सरकारी शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर गई है। बगैर प्रवक्ताओं के संचालित हो रहा मुनस्यारी विकास खंड का GIC या धामी गांव इसका प्रमाण है। यहां एक भी प्रवक्ता नहीं है। विद्यालय में सिर्फ 3 सहायक अध्यापक 11 कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं। हिंदी विज्ञान समेत सभी विषयों का ज्ञान बांटने की जिम्मेदारी सिर्फ इन्हीं सहायक अध्यापकों पर है। ऐसे में विद्यार्थी परेशान हैं तो अभिभावक बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। GIC धामी गांव में इंटर में हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, भूगोल, रसायन, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान विषयों का संचालन हो रहा है। विभाग ने विद्यार्थियों को इन विषयों में प्रवेश तो दे दिया लेकिन प्रवक्ताओं की तैनाती नहीं की है। पहले से ही 7 में से 4 प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं। कुछ दिन पूर्व यहां तैनात 3 प्रवक्ता को अटल उत्कृष्ट विद्यालय में समायोजित कर दिया गया। ऐसे में विद्यालय प्रवक्ता विहीन हो गया है और इंटर के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं। उत्तराखंड में शिक्षा से वंचित दिव्यांग बच्चों की गणना होगी। अभी भी राज्य में 81 मार्ग बंद है। तो राज्य में 81 मार्ग बंद हैं। बंद मार्ग में NH स्टेट हाईवे से लेकर ग्रामीण मोटर मार्ग शामिल हैं।
संस्थागत छात्रों का होगा ऑनलाइन पंजीकरण, प्रेशर हॉर्न पर आयोग ने उठाए सवाल। रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने दिया आंदोलन को नोटिस। रेडी ठेडी ठेली वालों के लिए बड़े शहरों में बनेंगे वेडिंग जोन। 53 स्कूलों में खराब भोजन पर मांगी रिपोर्ट। शौचालय में बाहर से लाकर फेंका था नवजात का शव, तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शौचालय में नवजात बच्ची का शव मिलने के मामले में अस्पताल प्रशासन ने अपनी जांच पूरी कर ली है। अब तक की जांच के मुताबिक माना जा रहा है कि शव बाहर से लाकर फेंका गया है। चुनाव से पहले झगड़ालू छात्र नेताओं पर लगाया अंकुश। लंबे समय बाद मिला कोविड संक्रमित, तो दून अस्पताल की ओपीडी में उपचार कराने पहुंचे 30 वर्षीय युवक में कोविड की पुष्टि हुई है। मरीज अपना क्षय रोग और स्पाइन संबंधी उपचार कराने के लिए पहुंचा था। उसकी आरटीपीसीआर जांच कराई गई तो कोविड होने की बात सामने आई, इसके चलते उसको भर्ती किया गया है। फिलहाल उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। दो महिलाएँ मलेरिया पॉजिटिव मिली। रोड साइकिलिंग में अश्विन रोथाड़ ने जीता रजत पदक। केवी के छात्रों ने फुटबॉल बास्केटबॉल में दिखाया हुनर। ग्राफिक एरा के 25 शिक्षा का शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुए। पेयजल विभाग और UJVNL ने जीते मुकाबले। निवेश के जरिए बेहतर मुनाफा पाने के लिए विशेषज्ञ देंगे टिप्स। वाहन गहरी खाई में गिरा, 4 लोग घायल हुए। 18 साल बाद पुष्पेंद्र दुग्गल के हत्यारों को सजा हुई। 15 केंद्रों पर 1 अक्टूबर से धान की खरीद तैयारी पूरी हुई। बाबा अमरीक गैंग का एक और सातिर गुर्गत पुलिस ने दबोचा। सड़कें खस्ता हाल, लोग दर्द से हो रहे बेहाल। बेरोजगारों की मांगे जाए सरकार पूरी करे, तो एकता बिहार में बेरोजगार संघ की ओर से मांग को लेकर किया जा रहा अनशन एवं धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में सोमवार को महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी पहुंचे। उन्होंने बेरोजगारों की सभी मांगों का पूर्ण समर्थन दिया। गोगी ने कहा कि बेरोजगार कोई अतार्किक मांग नहीं कर रहे हैं, यह कार्य सरकार को स्वयं ही कर देने चाहिए। प्रेमनगर दशहरा ग्राउंड में गड्ढे, व्यापारी चिंतित हैं। पिछले 70 साल से जिस मैदान में दशहरे का पर्व मनाया जा रहा था, इस बार वहां स्टेडियम निर्माण की वजह से गड्ढे हो गए हैं। इसे लेकर प्रेमनगर के लोग चिंतित हैं। दशहरे का पर्व कैसे और कहां मनाएं, इसकी चिंता को लेकर कैंट विधायक से स्थानीय लोगों ने मुलाकात की। बिना पंजीकरण चल रहे वृद्धाश्रम, राज्यपाल बोले कार्रवाई होगी। आउटसोर्स सेवाओं में कर्मचारियों के लिए एक समान मानदेय नहीं, तो राज्य में 40,000 से ज़्यादा आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी श्रेणी के कर्मचारी को वेतन कम तो मिल ही रहा है, साथ ही हर विभाग में मानदेय भत्तों के मानक भी एक समान नहीं है। एक विभाग में मानदेय का पैमाना कुछ है तो दूसरे विभाग में कुछ और। स्थायी सरकारी कर्मचारी के समान ही काम करने के बावजूद उनके समान वेतन भत्ते पाना सपना भर ही है। अब मंगलवार को वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के महंगाई भत्ते और उपनल कर्मचारियों के समान कार्य समान वेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही सुनवाई पर सभी की नज़र लगी है। उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री विनय प्रसाद के अनुसार कर्मचारियों के पक्ष को न्यायालय के समक्ष रखा गया है। शिक्षा मंत्री ने तलब की अटैचमेंट की रिपोर्ट। पीआरडी जवानों ने जुलूस निकाला। मुफ्त सिलेंडर योजना का बजट जारी न होने पर मंत्री नाराज हुई। बिना पंजीकरण चल रहे कई वृद्धाश्रम। उत्तराखंड का अगला मुख्य सचिव कौन होगा। यूपी के फर्जी कार्डों से मुसीबत। नीति मलारी बॉर्डर हाईवे रेणी में मलवा और बोल्डर आने से बंद हो गया। रुद्रप्रयाग में तूना बोंटा सड़क बदहाल है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में पहले दिन एक ने कराया नामांकन। पौड़ी परिसर में एनएसआई ने की प्रत्याशियों की घोषणा। भाजपा ने हरियाणा में पर्ची खर्ची व्यवस्था को ख़त्म किया। रुद्रप्रयाग में फर्जी न्यायिक अधिकारी समेत 2 गिरफ्तार किए। भू कानून के लिए 29 को महारैली, तो मूल निवास भू कानून समन्वय समिति 29 सितंबर को ऋषिकेश में स्वाभिमान महारैली आयोजित करेगी। इसमें उत्तराखंड में
मूल निवास 1950 और भू कानून की मांग पर प्रदेश सरकार से लोग जुटेंगे। समिति इससे पहले देहरादून गैरसैंण में रैली आयोजित कर चुकी है। खेत में मिला युवक का अजला साओ, तो गदरपुर से खबर आई है। जागेश्वर लीज पर मिलेंगी दुकानें। अपराधी कितना भी बड़ा हो कानून से नहीं बचेगा। कोचिंग जा रही छात्रा को अगवा करने की कोशिश, तो रुद्रपुर से खबर आई है। एक तरफा प्रेम के चलते 18 सितंबर को एक युवक ने अपने भाई के साथ मिलकर कोचिंग जा रही छात्रा को अगवा करने की कोशिश की। दून डिफेंस डीमर्स एसएसबी की तैयारी मुफ्त कराएगा। 25 और 26 सितंबर को बारिश का येलो अलर्ट। तो मौसम विभाग की वेबसाइट के मुताबिक कुमाऊं के 5 जिलों में 25 और 26 सितंबर को हल्की बारिश हो सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। दहेज हत्या के दोषी पति को उम्र कैद हुई। चिन्याली स्वर्ण में हादसा, 11 शिक्षकों समेत 12 घायल हो गए। सितंबर माह में न्यूनतम तापमान 13 साल का रिकॉर्ड टूटा। देवभूमि या भैरव सेना का मांस की अवैध दुकानों के खिलाफ प्रदर्शन। गुरुकुल में धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को समर्थन दिया। जिले की खो खो टीम का चयन किया। पुरोला में पीआरडी जवानों का पूरे साल की नौकरी के लिए जुलूस। तो पुरोला, मौरी और नौगांव में पीआरडी जवान ने प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन भेजा। डीएलएड की आयु सीमा 30 वर्ष रखने का विरोध किया। तो बीएड प्रशिक्षित युवा संघ ने उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा डीएलएड प्रवेश परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष ही रखे जाने का विरोध किया। कहा कि एनसीटीई विनियमन 2014 में डीएलएड के लिए ऊपरी आयु सीमा का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। ऐसे में सरकार का यह निर्णय अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। इस आयु सीमा को समाप्त किया जाना चाहिए। किराएदार का सत्यापन नहीं कराने पर जुर्माना, तो कोटद्वार से खबर आई है। पौड़ी में मांगों को लेकर ठेकेदारों ने रैली निकाली। रुद्रप्रयाग में ठेकेदारों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। श्री सिद्ध बलि मेले के लिए समितियों का गठन किया। सड़क नहीं बनने से कांग्रेसी नाराज हुए। चिन्याली स्वर्ण में हादसे में 11 शिक्षक घायल। तो सोमवार सुबह चिन्याली स्वर्ण के बड़ी मड़ी जोगत मोटरमार्ग पर शिक्षकों को लेकर जा रहा एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में सवार चालक समेत 12 शिक्षक घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल एक शिक्षक को एयरलिफ्ट और 2 शिक्षकों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। 4 घायल शिक्षकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि सीएससी चिन्याली में भर्ती बाकी 6 घायलों को छुट्टी दे दी गई है। टीरी में चोरी करते रंगे हाथों 2 गिरफ्तार। माल बरामद हुआ। फर्जी न्यायिक अधिकारी समेत 2 गिरफ्तार हुए। कर्णप्रयाग में पीने के पानी के लिए लोग भटके। राज्यपाल आज निलांग और जादुंग गांव का भ्रमण करेंगे। सैला कोई में 18 घंटे बिजली गुल रहने से उपभोक्ता रहे परेशान। त्यूनी चक्राता मार्ग पर 2 घंटे ठप रहा यातायात। बिजली के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ तहसील में प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के प्रदर्शन किया। तो विकास नगर से खबर रही है। डीएवी में विवाद में शामिल 28 छात्रों पर कार्रवाई की गई। बोरा के मददगार भाजपा नेताओं संग कांग्रेसियों पर भी शिकंजा। पुलिस ने पक्षपात कर सिर्फ दरोगा पर की कार्रवाई। 3 दिन में शुरू होगा वैकल्पिक मार्ग। दून का पारा 50 साल में सितंबर में दूसरी बार 36 पार पहुंचा। भू कानून और मूल निवास के लिए अब ऋषिकेश में होगी स्वाभिमान रैली। जंगल में कचरा फेंकने पर सीधे कटेगा चालान। मसूरी में दिखने लगा विंटर लाइन का शानदार नज़ारा। कार ट्रायल के लिए मांग, आरोपी फरार हो गया। 2 माह के पानी का बिल 50,000 थमाया, लोगों ने काटा हंगामा। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म का आरोपी दबोचा गया। हरकी पेड़ी पर 34 करोड़ के कार्यों को लेकर सुनवाई कल होगी। सिस्टम ने सूद नहीं ली तो ग्रामीण खुद रास्ता बनाने में जुटे। ओपीडी का एक काउंटर चलने से परेशानी हुई। 2 लाख की ज्वेलरी के साथ 3 गिरफ्तार हुए। पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने में पति दोषी हुआ। हत्या कर शव जलाने वाले को आजीवन कारावास हुआ। बाबा अमरीक गैंग का एक और इनामी साथी गिरफ्तार हो गया है। दून में वायरल का वार, वार्डों में मरीजों की भरमार।
देहरादून के 28 छात्र नेताओं पर पुलिस ने की कार्रवाई। हल्द्वानी में मूर्ति टूटने पर हंगामा, आधी रात को जुलूस तो देर रात लोगों को क्षतिग्रस्त पड़ी मूर्ति दिखने के बाद जुटने लगी भीड़। सूचना पर होलिका ग्राउंड में इकट्ठा हुए कई संगठन। सेना के जवान की हरिद्वार में सड़क हादसे में मौत हो गई। पेट्रोल पंप पर दो युवकों को पीटा तो हल्द्वानी से खबर आई है। 111 ग्रामीणों को मिले प्रमाण पत्र। रामनगर एमपी इंटर कॉलेज मैदान में दशहरा की अनुमति। पुष्पेंद्र दुग्गल के हत्यारे को उम्र कैद। महंगा पड़ा लेफ्ट टर्न बाधित करना, 110 वाहन चालकों की पर कार्रवाई की गई। दिल्ली में बसों के प्रवेश पर 31 दिसंबर तक मिली सशर्त राहत। विभाग को पता नहीं, विधायक ने बांट दी सामग्री। राशन कार्ड धारकों को सस्ती दर पर देंगे राशन किट। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी को लगेंगे सेंसर। नीति मलारी हाईवे पर रेणी के पास चट्टान टूटी। रेल प्रोजेक्ट से घरों में आ रही दरार, लोग परेशान हैं। सड़क दुर्घटना की वजह बन रहे रिफ्लेक्टर हटाए गए। सोनप्रयाग से सुरक्षा के बीच 12,000 यात्रियों को किया गया रवाना। खुद को जज बताने वाला लिविन पार्टनर के साथ गिरफ्तार हुआ, तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। भवाली अल्मोड़ा हाईवे दिन में 3 बार हुआ बंद। केदारनाथ मौसम ने दिया साथ तो यात्रा पकड़ने लगी रफ्तार। वार्ता विफल, अब 27 को चक्का जाम। तो ज्योतिर्मठ के प्रभावित प्रशासन के साथ बैठक के बाद बोले बाजार रखेंगे। खबर यह, देवप्रयाग से कार की टक्कर से बाइक सवार छात्र छात्रा घायल हो गए। अलकनंदा ठेकेदार संघ ने मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। टिहरी के नाम रही खेलकूद प्रतियोगिता की चैंपियनशिप। राज्य खेल जिम्नास्टिक में पौड़ी और नैनीताल ने बाजी मारी। गढ़वाल विश्वविद्यालय का उप कार्यालय होगा शिफ्ट। रुद्रप्रयाग की दो बेटियां सेना में बनी लेफ्टिनेंट। सड़क पर पैदल चल नहीं सकते, गाड़ी कैसे चलाएं। 4 दिन से कपड़े बर्तन नहीं धुले, धूप में टैंकरों से भरना पड़ रहा है पानी, तो कर्णप्रयाग से खबर रही है। वाहन दुर्घटना कर चालक समेत 12 घायल हो गए, तो चिन्हारी स्वर्ण उत्तरकार से खबर रही है। फरार वारंटी दून से गिरफ्तार हुआ। नर्सरी रोड पर लगे गंदगी के अंबार, लोग हो रहे परेशान। तौलीसैन से मुखेम सड़क निर्माण शुरू होने से खिले ग्रामीणों के चेहरे। दहसा द्वारी खाल के गांव ठांगर में फिर दिखा हमलावर गुलदार। हल्की बरसात से ही दरक रहे पहाड़, 17 ग्रामीण संपर्क मार्ग बाधित, तो कोटद्वार से खबर आई है। महिलाओं ने काटी झाड़ियां और उठाए पॉलिथीन। डंपर की टक्कर से स्कूटी सवार माँ बेटा घायल हो गए। कोटद्वार के धावकों ने लहराया परचम। डीएम ने किया औचक निरीक्षण, ड्यूटी से नदारद मिले किस कर्मी, तो हरिद्वार से खबर आई है। पहले फ्री में दिया था पानी, अब 2 महीने का बिल 45,000 भेज दिया। 300 स्कूलों के 2,000 खिलाड़ियों ने बैडमिंटन में दिखाई प्रतिभा। साथी ने की अभद्रता, तो पानी की टंकी पर चढ़ा सफाई कर्मी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में छात्रों ने काटा खूब हंगामा। बनबुलपुरा से चंद कदम दूर शहर का माहौल बिगाड़ने की साजिश, दो पक्ष आमने सामने आए, तो होली ग्राउंड में रखी भक्त प्रहलाद की मूर्ति खंडित करने पर हंगामा हुआ। समुदाय विशेष पर मूर्ति तोड़ने का आरोप, ठेलों को हटाया। समस्याओं को लेकर के बांधी मुट्ठी। 3 अनुदेशक बिना बताए अनुपस्थित, कटेगा वेतन। 29 से शुरू होगा उत्साह सीजन। ब्रेक फेल हुए तो मोलेखाल बाजार के पास पलट गई पिकअप। राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्वारल में गिर रहे मलबे ने रोक दी रफ्तार। बदलता मौसम सेहत पर पड़ रहा भारी। महिला को सांप ने डसा, इलाज के लिए 7 किलोमीटर चली पैदल, तो मोलेखाल अल्मोड़ा से खबर आई है। पंजीकरण हुए 22,232 और दाखिले हुए सिर्फ 14,156, तो अल्मोड़ा के शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय का हाल। कुसानी सैलानियों से हुआ गुलजार। नेशनल इनकम में अराजक तत्वों ने कर दी तोड़फोड़। पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन का ऐलान।
वहीं खबर चंपावत से एनएच पर आवाजाही कल तक बंद है, आधी क्लास यात्रियों को पिलाए ब्रांच का जूस। ऑल वेदर सड़क बन गई नो वेदर रोड। पत्नी की हत्या करने के दोषी को उम्र कैद हुई, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। अधर में लटका द्रोण माइनर मिनी बाईपास का निर्माण। भाखड़ा किनारे मिला शव, शरीर पर थे जले के निशान, तो गदरपुर से खबर है। बिना सत्यापन चल रहे नहीं चल पाएंगे ई रिक्शा और टेम्पो। कार सवारों पर युवक के अपहरण का आरोप, दो लोग हिरासत में लिए। 161 ग्राम स्मैक के साथ बरेली के तस्कर को दबोचा।